गोहाना में पीजीआई रोहतक के फार्मासिस्ट आशीष उर्फ बिट्टू ने अपनी पत्नी व ससुराल वालों से तंग आकर सुसाइड कर लिया। पत्नी और ससुराल वाले उसे इसलिए प्रताड़ित कर रहे थे कि उसने एक महीने बाद अपनी मां की स्वास्थ्य विभाग से रिटायरमेंट के चलते बड़ा प्रोग्राम करने की प्लानिंग की थी। पत्नी व उसके मायके वाले इस पर होने वाले खर्चे से खुश नहीं थे। घर में इस बात पर कहासुनी भी हुई। युवक के साले की घरवाली पुलिस में है तो उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। पुलिस ने पत्नी समेत 5 पर आत्महत्या के लिए विवश करने, धमकी देने का केस दर्ज किया है। इकलौते बेटे की मौत से मां का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता ईश्वर की 13 साल पहले मौत हो चुकी है। मृतक आशीष उर्फ बिट्टू करीब 10 साल से रोहतक पीजीआई में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर फार्मासिस्ट की नौकरी करता था। उसने ससुराल वालों से झगड़े के बाद घर में पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया, जिस कारण 2 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। गोहाना सिटी पुलिस ने आशीष की मौत पर उसकी मां सरोज के बयान पर 5 पर आत्महत्या के लिए विवश करने के आरोप में केस दर्ज किया है। इसमें उसकी पत्नी किरण, ससुर राजवीर, सास सुदेश बाला, साला सोनू व साले कविता शामिल है। मैडम जी, ये आशीष नाम का लड़का था, 33 वर्ष का, पीजीआई में फार्मासिस्ट था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, हाउस नंबर 84 सेक्टर 7 गोहाना जी। तो इसने पत्नी की प्रताड़ना और सास ससुर और सालों की प्रताड़ना से तंग आके सुसाइड कर दिया। ये किसकी तरफ से बात आई है कि ये पत्नी ने प्रताड़ित की? माँ ने। क्या नाम है इनकी माँ का? इनकी माँ का नाम है जी वाइफ ऑफ ईश्वर। तो सरोज ने कितने लोगों के मतलब नाम लिए हैं आपके हिसाब से? मैडम ये 5 जी, मतलब टोटल 5 आदमी के साथ। अच्छा, तो अब तक की क्या कार्रवाई हुई? अब पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी उनके हवाले करती है मैडम। अच्छा, पुलिस तस्दीक में लग रही है अपने आरोपियों के बारे में। तो किसी को जो इनके नाम लिखवाए किसी को हिरासत में भी लिया? अभी नहीं। अच्छा, मतलब मेन रीजन यही बता रहे हैं? जी जी। तो इसकी पता चला कि इसकी रिटायरमेंट में नजदीक थी, इस बारे में पता चला? अच्छा, ये जो सुसाइड की घटना हुई ये भी इनके निवास स्थान पे सेक्टर 7 जी में? जी, हाउस नंबर 84 सेक्टर 7। ये किसकी सूचना पे, ये किसके उस पे हुआ है ये सारी कार्रवाई जो आपकी? सरोज वाइफ ऑफ ईश्वर, इनकी माता है जी।